क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में वैसे तो क्रिकेट इतिहास में कई सारे धमाकेदार मुकाबले खेले गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, एक ऐसा ही मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला गया था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड बनाम भारतीय टीम के बीच में हुआ था, जो कि 20 ओवर का घोषित कर दिया गया था। दोस्तों आपको बता दूं, इस कांटे की टक्कर के फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम। दोस्तों आपको बता दूं, इस मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफी शर्मनाक रही और इस मुकाबले में शिखर धवन, रोहित शर्मा ने मिलकर कुछ भी खास प्रदर्शन नहीं किया था। तो वही सलामी बल्लेबाजों के लेकर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों तक किसी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया। तो वही आखिर में रविचंद्रन अश्विन के साथ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 40 रनों की धाकड़ पारी खेली और भारतीय टीम को 129 रनों के स्कोर तक ला दिया था 7 विकेट के नुकसान पर अपने 20 ओवर में। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय टीम ने 130 रन का लक्ष्य दिया इंग्लैंड की टीम को अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, 130 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम। ऐसे में इस मुकाबले में इंग्लैंड की शुरुआत उतनी कुछ बेहतरीन रही नहीं, लेकिन मध्य क्रम में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जब तक गेंदबाजी करते हैं तो मैच ले जाना काफी मुश्किल होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, इस मुकाबले में इंग्लैंड को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी और गेंदबाजी कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन और बल्लेबाजी कर रहे थे जेम्स ट्रेडवेल। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, पहली गेंद पर जेम्स ट्रेडवेल ने 2 रन ले लिए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, 2 गेंदों पर चाहिए थे 8 रन। ऐसे में चतुराई दिखाते हुए रविचंद्र अश्विन ने थोड़ी सी ऑफ गेंद रख दी और ट्रेडवेल ने उसे शॉट खेलने के चक्कर में गैप में ढकल दिया और वो गेंद पर भी 2 रन आ गए। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, मामला कांटे की टक्कर का हो गया था, क्योंकि अब भारतीय टीम को इंग्लैंड को हराने के लिए 1 गेंद पर 6 रन बचाने थे और इंग्लैंड को जीत के लिए 1 गेंद पर 6 रन की दरकार थी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक होता जा रहा था, जहां पीछे से महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग कर रहे थे। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी थे भारतीय टीम के कप्तान। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, सबकी सांसें रुक गई थी, क्योंकि 1 गेंद पर 6 रन चाहिए थे और बल्लेबाजी कर रहे थे जेम्स ट्रेडवेल। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, रविचंद्रन ने जैसे ही गेंद डाली, जेम्स ट्रेडवेल ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में उसे मिस कर बैठे और गेंद चली गई सीधा महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में और उस बॉल को डॉट घोषित कर दिया गया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को इंग्लैंड को हरा दिया 5 रन से। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीत गई भारतीय टीम 5 रन से इंग्लैंड के खिलाफ। 130 रन के लक्ष्य को डिफेंड कर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, इस मुकाबले में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड शिखर धवन को दिया गया था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, शिखर धवन ने इस टूर्नामेंट में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी से लेकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी काफी बेहतरीन नजर आई इस पूरे टूर्नामेंट में और भारतीय टीम का वो आखिरी ओवर तो शानदार और लाजवाब था। दोस्तों आपको बता दूं, इसी के लिए भारतीय टीम के इतने शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम जीत गई थी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ, वो भी सिर्फ 129 रन लगाकर। ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर इतिहास भी रच दिया था और ये मैच अभी भी क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, इतने छोटे लक्ष्य को फाइनल में डिफेंड करना, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, ये काफी रोमांचक बात है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में उस वक्त भी काफी सारे धुआंधार और हिटर बल्लेबाज थे, फिर भी भारतीय टीम ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। खासकर रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने, दोनों ही स्पिन गेंदबाजों ने भारतीय टीम की तरफ से काफी बेहतरीन, लाजवाब और शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, सभी खिलाड़ियों के योगदान की बदौलत भारतीय टीम उस साल का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीत गई और महेंद्र सिंह धोनी के नाम हो गई आईसीसी की एक और ट्रॉफी। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान है जिनके नाम सभी आईसीसी की ट्रॉफीज है और ये कोई मामूली बात नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी भी हमारी भारतीय टीम के एक लाजवाब, चालाक और मशहूर कप्तान है, इसीलिए उनका भी नाम भारतीय टीम के काफी ऊंचे दर्जे पर लिया जाता है और अभी भी उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान भारतीय टीम को आगे भी कभी मिलेगा या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो सही होती है तो लाइक करें और इसी क्रिकेट की और मतलब